आज यहां आकर गंगा जी के चरणों में खड़े होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुरू करने से पहले गंगा जी को मेरा प्रणाम। मेरे साथ एक बार बोलिए, हर हर गंगे। ये एक पवित्र भूमि है, यहां आकर खुशी होती है और देश के प्रति, धर्म के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति दिल में श्रद्धा भी जागती है। आज मैं यहां चुनाव के मौके पर यहां आई हूं। चुनाव वो समय होता है जिसमें हमें सच्चाई को ठीक तरह से समझना चाहिए। वोट डालने का समय होता है लेकिन हिसाब लेने का समय भी होता है। इस समय हमें समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप जनता हैं, देश को बनाने वाले आप हैं, और जो आप चुनने जा रहे हैं, जिस सरकार को आप चुनने जा रहे हैं, उसको अगर आप सोच समझकर पूरे विवेक से नहीं चुनेंगे तो आगे के जो 5 साल हैं, जो आपका भविष्य है, वो संकट में आ सकता है। आज जब चुनाव के लिए, प्रचार के लिए आपके सामने नेता आते हैं तो मैं उनके भाषण सुनती हूँ, मैं भाजपा के नेताओं के भाषण भी सुनती हूँ, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण सुनती हूँ। ज्यादातर मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिससे आपकी जो रोजमर्रा का जो जीवन है उससे कम ताल्लुक है, मतलब आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें ज्यादा होती हैं। मैं आज यहाँ आपके सामने खड़े होकर आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ये आपका भविष्य तय करने जा रहा है। इसमें आप अपने मुद्दों को सर्वोपरि रखिए। आपके क्या मुद्दे हैं, आपके क्या संघर्ष हैं, आपकी कौन सी मुश्किलें हैं, उनका समाधान कौन दे रहा है, कौन आपके मुद्दों की बात कर रहा है, इसको ठीक तरह से समझकर अपना वोट दीजिए। अब आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कौन बताएगा? बेरोजगारी की महंगाई, बेरोजगारी, बेरोजगारी आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मोदी जी के भाषण सुने आपने? सुने? नहीं, नहीं सुनना। मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, मोदी जी जवानों की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, लेकिन रोजगार के तौर पे उन्होंने दिया क्या है? पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी है। आज आईआईटी का ग्रेजुएट भी, उसको भी प्लेसमेंट ढूंढने में मुश्किल होती है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि आज मात्र 30% आईआईटी के ग्रेजुएट्स को प्लेसमेंट मिल रहे हैं। आईआईटी के ग्रेजुएट के लिए भी रोजगार ढूंढना अब मुश्किल हो गया है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की जो नियत है और जो नीति है वो रोजगार बनाने की नहीं रही। आप अगर देखेंगे तो रोजगार कहां से आते थे? बड़े बड़े पीएसयू से आते थे, बड़े जो कारखाने होते हैं, जो सरकारी पीएसयू थे, उनसे आते थे। छोटे और मीडियम साइज के बिजनेसों से आते थे, जो अपने छोटे दुकानदार हैं या कोई अपना छोटा फैक्ट्री खोलता है, जो भी कारोबार हो उसमें जो रोजगार मिलता था, और खेती किसानी से आती थी। ये तीन माध्यम थे रोजगार बनाने के। और अगर आप देखेंगे तो इस सरकार ने क्या किया, सबसे पहले आप देखिए कि जो पीएसयू थे, बड़े बड़े कारखाने थे जिससे तमाम जॉब्स मिलते थे,
उनको तो इन्होंने सौंप दिया अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को, चाहे हवाई अड्डे, चाहे रेलवेज हो, चाहे कुछ भी हो, बंदरगाह हो, अपने गिने चुने जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनको या तो सौंप दिया गया है या फिर सौंपने की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो जहां से आपको रोजगार मिलता था वो तो चले गया इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के पास, सरकारी जो जॉब्स थे वो कम हो गए, जो छोटे और मध्यम साइज के जो बिजनेस थे उन पे पहले नोटबंदी थोपी गई, आपको बताया गया कि देशभक्ति है आप कतार में खड़े हो जाओ, आपने किया भी, आपने पूरा विश्वास किया कि भाई काला धन वापस आ जाएगा। अब पता चल रहा है वो काला धन कहाँ गया, अब पता चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चंदा भाजपा को मिली है उसका उसको दिखाओ, पूरा दिखाओ, पारदर्शी बनाओ, उसकी लिस्ट बताओ। अब उसमें पता चल रहा है कि काला धन कहां पहुंचा, सबसे चंदा ली है, सबसे ज्यादा इन्होंने ली है, जो वो गुजरात में पुल गिरा, जो पुल बनाया था उससे इन्होंने चंदा ली, जहां जहां बड़े बड़े ठेके सबसे चंदा ली। कोविड में आपको वैक्सीन लगी, हाथ उठा के बताओ, वैक्सीन की कंपनी से चंदा ली। तो अब पता चल रहा है कि काला धन गया कहां और नोटबंदी क्या थी, लेकिन नोटबंदी का नुकसान कौन झेल रहा है, मोदी जी, मोदी जी, भाजपा के नेता, आप झेल रहे हो। ये छोटे दुकानदार, ये जो दुकानें हैं यहां, छोटे बिजनेस, उसके बाद जीएसटी आई, तो जो छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेस वाला है, उसको तो लगभग आपने खत्म कर दिया, वो रोजगार नहीं दे सकता। खेती किसानी पे आइए, किसान जीएसटी पे इतना खर्चा कर रहा है, इतनी महंगी हो गई है सारी चीजें उसके लिए, चाहे खाद हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे जिन चीजों पर जीएसटी हो वो, तो किसान इतना तरस रहा है महंगाई से, इतना उसको दबा दिया गया है कि वो कमा नहीं पा रहा है। तो वो कमा नहीं पा रहा है तो खेती किसानी में रोजगार भी घट रहे हैं। तो इनकी जो नीति है वो रोजगार घटाने वाली नीति है। इन्होंने आज तक आपको एक विजन नहीं दिया है कि रोजगार बनाएंगे कैसे। कांग्रेस पार्टी जिन प्रदेशों में सरकार में आई, हमने उन प्रदेशों में गारंटी दी थी कि हम सरकारी पद भरेंगे। क्यों? क्योंकि हर प्रदेश में लाखों सरकारी पद खाली पड़े थे भाजपा की सरकारों में। आज भी केंद्र की सरकार के जो पद हैं उनमें 30 लाख खाली पद हैं। तो आप बताओ, देश में तमाम बेरोजगार बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके माँ बाप चाहे खेती करते हो, चाहे सैनिक हो, चाहे कुछ भी हो, उनको मुश्किल से पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, पैसे इकट्ठे करके ट्यूशन की फीस दिलवाते हैं, एग्जाम करते हैं रोजगार के लिए, कोई बीएससी करता है, कोई बीए करता है, एमए करता है, पढ़ाई लिखाई तो सबकी लगभग पूरी हो जाती है अपने माता पिता की मेहनत से, फिर क्या होता है, रोजगार मिलता ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि 30 लाख खाली पद हैं केंद्र सरकार में, और उसके अलावा हर प्रदेश में प्रदेश सरकार के पद खाली हैं, लेकिन आज तक भरे नहीं गए हैं। बेरोजगार बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, सुबह से शाम तक नौकरी ढूंढते हैं, और जहां रोजगार मिलना चाहिए वो पद खाली पड़े हैं। तो पद भरने की भी इनकी नियत नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो जो 30 लाख खाली पद हैं केंद्र के, वो हम गारंटी दे रहे हैं कि हम उनको भरना शुरू करेंगे। देखिए देखिए, हम समझ रहे हैं कि इन 10 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान किसने झेला है, इस देश के गरीब, किसान, नौजवान, इस देश की महिलाओं ने झेला है। और क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, हम इस चुनाव में कुछ ऐसी घोषणाएं हमने की हैं जो हम पूरी करके आपको दिखाएंगे, इसीलिए हमने उनको गारंटी का नाम दिया है। हमने जिन प्रदेशों में हमारी सरकार बनी, आपने देखा होगा,
हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में हमने कुछ गारंटी चुनाव से पहले दी थी। हमने कहा था कि कर्नाटका में हमने कहा था कि हम महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह देंगे, वो देना शुरू हो गया है, हिमाचल में देना शुरू हो गया है। हमने कहा था ओपीएस लागू करेंगे, ओपीएस लागू हो गया उन प्रदेशों में। इस तरह की जो गारंटी है, जो हमने करके दिखाई है, वही गारंटी हम इस चुनाव में आपके सामने लाए हैं। और उनमें से मैं कुछ सुनाना चाहती हूं आपको। जो बेरोजगारी है देश में, इसको हम समझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर परिवार में जो पहली नौकरी है वो पक्की हमारी तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से आपको मिले। जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। 5,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा, जिससे जो नौजवान अपना छोटा कारोबार, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है या स्टार्टअप करना चाहता है, उसको फंडिंग मिलेगी। पेपर लीक यहां भी हुए हैं और अन्य प्रदेशों में हुए हैं। अब पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया है कि आप मेहनत करते हैं, आपके माता पिता फीस को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, ट्यूशंस करवाते हैं, और फिर भी जब आप पेपर देते हैं तो आपको कुछ पता नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी, पास भी होगे कि नहीं। पेपर लीक हो जाता है, घोटाले होते हैं, 20-20 लाख में नौकरियां बिकती हैं और आप कहीं के नहीं रहते। क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, हम पेपर लीक का एक कानून निकालेंगे और एक जॉब कैलेंडर निकलवाएंगे जिसमें जिस दिन नियुक्ति होगी उसका डेट पहले से लिखा होगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसका डेट, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसका डेट। और अगर इधर उधर किसी अधिकारी ने करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक कानून लाएंगे हम। आपके प्रदेश से बहुत पलायन होता है। मैं अभी रामनगर में थी, वहां मैं कह रही थी, दिल्ली में उत्तराखंडी लोग बहुत हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं और विदेश में भी, और वो इसलिए पलायन करके वहां जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है और वहां मुश्किलों संघर्ष का जीवन है। अपने पूरे परिवार को कोई ला पाता है, कोई नहीं ला पाता, किसी को अपने परिवार को छोड़ के वहां जाना पड़ता है। साल में मात्र 1-2 बार घर आने को मिलता है, घर आने को मिलता भी है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत संघर्ष है। तो पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उत्तराखंड में जो पर्यटन की स्कीम्स हैं और जो पर्यटन को बढ़ावे देने के लिए जो स्कीम्स हैं वो बनाई जाए, और हम चाहते हैं कि यहाँ की खेती को मजबूत किया जाए। तो यहाँ पे जो बंजर वादियाँ हैं उनमें क्लस्टर फार्मिंग के लिए हम इंतजाम कराना चाहते हैं और यहाँ की जो ज़मीन के जो कानून हैं उनको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो जैसे हिमाचल प्रदेश भी आपके जैसा प्रदेश है, पहाड़ों का इलाका है, वहाँ पे क्लस्टर फार्मिंग के जरिए आजकल हल्दी, सेब, मशरूम वहाँ उगाया जाता है और वहाँ से आयात निर्यात किया जाता है उसका। तो उसी तरह से हम यहाँ कराना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपके ज़मीन के कानून हैं वो कमज़ोर किए गए हैं। और अगर आप, मैं कह रही थी कि जो केंद्र की सरकार है उनकी जो तमाम नीतियाँ उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए बनाई जाती हैं, तो ये भी एक इस तरह की नीति है कि आपके कानून कमज़ोर करके वो जो आपकी ज़मीनें हैं वो बाहर के लोगों को बिके और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिके ताकि फिर उन्हीं का फायदा हो। तो हम चाहते हैं कि आपके जो खुद के यहाँ के कानून हैं उनको हम मजबूत बनाएं। किसान की सम्मान निधि की बड़ी बात करते हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि आपको सिर्फ सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत पैसा मिले। हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, जो मिल रहा है वो अच्छा है, वो भी मिले, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप खुद अपनी कमाई कर पाएं। यहाँ के जो किसान हैं अपने पैरों पे खड़े हो पाएं और जो जितना मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं, उसकी जो कीमत है वो उनको मिले कि वो अपना जीवन मजबूत बना पाएं, अपना भविष्य मजबूत बना पाएं।
इसीलिए हम चाहते हैं और हम करके दिखाएंगे कि MSP एक कानून बन जाए। इसके साथ साथ खेती के जो सारे सामान हैं, आज आपको उन पर GST देना पड़ रहा है, इसीलिए आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं और महंगाई बहुत बढ़ रही है आपके लिए। हम सारे किसानों के जो सामान हैं जिन पर आज GST है, उन सबको GST मुक्त करेंगे। आपने देखा होगा, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, लेकिन जो गिने चुने बड़े उद्योगपति मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के, उनको आपको मालूम है कितना लोन माफ किया गया है? बताइए कितना लोन माफ किया गया है? 16,000 करोड़ रुपए लोन माफ किए हैं उनके। आपने देखा टीवी पे किस तरह से शादियां करा रहे हैं? देखा? देखा नहीं देखा? देखा ना? और किसान कैसे शादी कराता है? किसान कैसे शादी कराता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। ऋण लेके कराता है, पैसे नहीं बचते उसके पास, ऋण लेता है। मैंने यूपी में देखा है 10,000 रुपयों के लिए आत्महत्या कर रहा है किसान, क्योंकि दे नहीं पाया, उसकी बच्चियां रोती हैं। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया? मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका।